हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो के अंत में आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और लास्ट में आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी जोन। जैसे कि पहला प्रश्न है, ग्रीन महानदी मिशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन योजना को शुरू किया है, और ग्रीन मिशन महानदी एक योजना मिशन जो है एक वृक्षारोपण अभियान है। ठीक है, इसे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू किया है, और इस अभियान के तहत जो है 1 करोड़ पौधे को लगाए जाएंगे। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो महानदी बेसिन जो है उसके नदी के किनारे पर मिट्टी के कटाव को रोकने है। और एक और बात यहाँ पर कि जो महानदी सॉरी जो उड़ीसा है, उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग से नाम से भी जाना जाता था, और कलिंग के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि अशोक जो थे, अशोक ने कलिंग पर विजय किया था 261 ईसा पूर्व में, और विजय भी प्राप्त किया था, तो कलिंग इसी को कहा जाता था। और एक और बात कि उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे हम लोग मूर्ख दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो आपको याद रखना होगा, इतना चीज आपको उड़ीसा से याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश का जोपियान जे नाम नए जल विद्युत बांध के टूटने से 6600 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं? ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लाओस में यह बांध है जोपियान जे नाम नए। यह बांध फिलहाल में टूट जाने से कारण 6600 से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, लाओस। लाओस में ही ये बांध स्थित है। और लाओस के बारे में जान लेते हैं कि लाओस की जो राजधानी है वो वेंतियान है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो लाओ कीप है, और इसे उपनाम के नाम से भी लाओस को जाना जाता है कि 1000 हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है लाओस को। और इसे जो फ्रांस से आजादी मिली थी, मतलब कि ये फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था, तो कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1949 ईस्वी को इसे फ्रांस से आजादी मिली थी। तो इतनी चीजें आपको लाओस से पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा योजना आरंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलर पैनल योजना को शुरू किया गया है। जैसे कि जो मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा था कि उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी, जबकि दिल्ली सरकार के जो आप हैं, मतलब कि आम आदमी पार्टी के सरकार ने क्या किया कि 3 से 4 गुना बढ़ाने के लिए एक योजना को शुरू कर दिया, जिस योजना का नाम है सोलर पैनल योजना। यह योजना जो है किसानों की आय के बढ़ाने के साथ साथ उन दिल्ली में बिजली जो है बिजली कम कीमत पर भी उपलब्ध कराएगी। वो कैसे? तो ये जो है सोलर पैनल योजना के तहत जो है निजी कंपनी किसानों के खेतों में, मतलब किसानों के खेतों के 1 एकड़ खेत में 1/3 स्थान पर सोलर पैनल प्लेट लगाए जाएंगे, और ये प्लेट जो होंगे वो जमीन से 3.5 मीटर ऊपर होंगे, जिसकी वजह से ना तो किसानों के खेतों में कोई दिक्कत होगी उनको उपज में, और उनका जो खेत में सोलर पैनल भी लग जाएगा, और उनका इसके मदद से उन बिजली के में खपत की जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने सोलर पैनल योजना को स्टार्ट किया है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं डेली न्यू वीडियोस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। और कहना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर हमारी सारी PDF एक साथ मिलती है, सारी वीडियोज मिलती है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो डाली जाती है, और जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगोड़ा अपराधी विधेयक कितने करोड़ रुपए और उससे अधिक के अपराध करने वाले आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन आपके सामने 60, 70, 85 और 100 करोड़। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 करोड़, या फिर इससे अधिक के ऊपर पे जो भगोड़ा अपराधी विधेयक है उस पर एक अपराधियों पर आर्थिक समिति के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्षम बनाएगा। मतलब कि संसद ने भगोड़ों को मुकदमे के लिए भारत में वापस लाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है, और वित्त मंत्री ने इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाने के लिए भी कहा है, जो 100 करोड़ से अधिक ज्यादा या फिर आर्थिक
अपराधों के मामलों में जल्द निपटारा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात आ रही है संसद, तो संसद ने इसको पारित किया, तो संसद के बारे में जान लेते हैं। संसद तीन चीजों से मिलकर के बनती है, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो और इस संसद का जो गठन होता है आपका 79 अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपको इतना चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी आपका महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया है। यह समारोह जो है वो यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है और देश में सबसे पुराने सीनो क्लबों में से एक सीने सेंट्रल द्वारा ये आयोजित किया जाएगा गया। और इसमें जो है कुल 17 देशों के 36 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें पहला स्थान जो है, सबसे पहला जो फिल्म है वो अमेरिका की फिल्म मुआना है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ रही है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है और यहाँ की जो राजधानी है वो कोलकाता है और राजभाषा बंगाली और यहाँ फिर जहाँ राज्यपाल हो गए वो केसरीनाथ त्रिपाठी। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 जुलाई को देश भर में किसकी 19वीं सालगिरह मनाई गई। ऑप्शन ए कारगिल विजय दिवस, ऑप्शन बी संविधान दिवस, ऑप्शन सी संविधानता दिवस और इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को देश भर में इसकी 19वीं सालगिरह मनाई गई। इस दिन मतलब कि 26 जुलाई को कारगिल में संघर्ष हुए शहीद जो हुए थे सैनिकों को उनके पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और कारगिल युद्ध जो हुआ था वो आपका 1999 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ही माना जाता है, मतलब कि सबसे अच्छा युद्ध जो हुआ था यादगार। और यहाँ पर एक और है कि जो कारगिल युद्ध में जो भारत के तरफ से अभियान चलाया गया था उस अभियान का नाम क्या है ये पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑपरेशन विजय नामक अभियान को चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी पर सबसे महत्वाकांक्षी पुस्तक गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 से लेकर 1948, ये पुस्तक का नाम है गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुहा जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये किताब जो न केवल गांधी जी के जीवन के बारे में बताएगी बल्कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी नजर रखेगी। और तो यहाँ पर रामचंद्र गुहा जो है इनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं कि इनको जो है पद्म भूषण और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो यहाँ बात है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे उच्च सम्मान है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला भारत रत्न आता है, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा जो आपका पद्म भूषण और चौथा आपका पद्मश्री, तो ये आपका क्रम में होता है। तो आप इसको याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तीसरा सबसे बड़ा, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। और इनसे जुड़ी जो अन्य पुस्तक है इनकी, तो अन्य पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, मतलब रामचंद्र गुहा की जो और भी पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी और एक और पुस्तक है गांधी बिफोर इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तक है आफ्टर और बिफोर करके इनकी पुस्तक है, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर में छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना को शुरू करेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संचार क्रांति को रामनाथ कोविंद जो है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है ये जिनको लागू करेंगे। इस योजना के तहत जो है 50 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में वितरण किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी जान लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजधानी है नया रायपुर और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो रमन सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 26 जुलाई 2018 को राज्य का नाम बदलकर किस नाम को रखने का प्रस्ताव किया है। तो नाम बदलकर कि कौन सा नाम रखने का प्रस्ताव किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो ए बंगला नाम रखने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि केवल ये अभी विधानसभा में पारित किया गया है लेकिन अभी इसको जब तक गृह मंत्री की अनुमति नहीं मिलती है इसका नाम अभी तक नहीं बदला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच
दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सी जो है फ्रांस और भारत के बीच एक दोनों देशों के बीच स्टार्टअप के बीच निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है। जैसे भारत की निवेश भारत और फ्रांस के जो बिजनेस फ्रांस ने दोनों मिलकर के ये समझौता पर ज्ञापन किया है। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो आपका पेरिस है और फ्रांस जो है फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप जीता है तो और भी प्रचलित है, तो आपको इसको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का एक प्रश्न। सबसे पहले कल का जो मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर ये होगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शासन के लिए एक डिजिटल मंच ई प्रगति परियोजना को शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का क्यूज का प्रश्न है कि फीफा 2018 विश्व कप में गोल ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे जीता है, किसने जीता है। ऑप्शन ए लुका मैड्रिक, दूसरा बेंजामिन पावर्ड, तीसरा लियो मेंस मेसी और चौथा है आपका क्रिस्टियानो रेनाल्डो। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।